अब मैं आपको दिखाऊंगा चेन्नई एक्सप्रेस वाली ट्रेन जो आने वाली है यहाँ पे। तो ये दूसरा ब्रिज है, ये ब्रिज भी क्रॉस करना पड़ेगा आपको। अरे आजा, ये नहीं डूबने देगी। गाइस फाइनली हम वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। ये है हर्षा, पहली बार जा रही है वाटरफॉल के अंदर नहाने के लिए। चलो देखते हैं कैसे जाती है। तो अपन चल रहे हैं फॉरेस्ट में। अच्छा, यहाँ पे लेडीज के लिए चेंजिंग रूम बना रखे हैं और वॉशरूम भी हैं। तो अगर आपको जरूरत पड़ती है, आपके साथ लेडीज है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। ये एक ब्रिज और है, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। और जो मैजेस्टिक दूध सागर है वो सामने है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये सामने से दूध सागर वाटरफॉल है। अब आ गया बारी नहाने की। तो फाइनली अपनी मेहनत सक्सेसफुल हो गई है और मेरे पीछे है दूध सागर वाटरफॉल। ये जो टपक रहा है पानी पीछे से, एकदम मस्त वाला, बहुत ही चौड़ा लग रहा है। तो मैं जाता हूँ, नहाता हूँ और आपसे मिलता हूँ। अभी के लिए इसको पैक करता हूँ और बाद में मिलूंगा आपसे, ठीक है? चलो गाइस, फाइनली हम वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। ये है हर्षा, पहली बार जा रही है वाटरफॉल के अंदर नहाने के लिए। चलो देखते हैं कैसे जाती है। तो फाइनली जाओ, तो एक काम करो, मेरे को पकड़ लो। डर गई है, अब मैं जाऊंगा वाटरफॉल के अंदर। आ जाओ, फॉलो मी। तो अब हर्षा की कहानी है, तो फाइनली आ रही है। आजा 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 आजा। अरे आजा, ये नहीं डूबने देगी। अरे तो यहाँ पे मिले थे। चलो आओ आओ आओ, जल्दी आओ, हाथ दे, हाथ तो दे। मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई है, बस एक घंटा अभी थोड़ी देर ही चलेगी। तो फाइनली हम वाटरफॉल के अंदर पहुँच चुके हैं। बस यहाँ पैर रख। हाँ, अब मैं अंदर देख के आ रहा हूँ कितना गहरा है। तो फाइनली दूध सागर वाटरफॉल के बिल्कुल पास में जाने का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। ऊपर से आप देख सकते हो दूध सागर वाटरफॉल, और लाइट देखिए कितनी बहुत जोर से, यहाँ पे पानी गहरा है और ठंडा भी। दूध सागर के पहुँचने का टाइम आ चुका है। दूध सागर पहुंच नहीं पाया हूँ, एक और अटेम्प्ट लगेगा। और पैर रखने की जगह नहीं है, पत्थर काफी स्लिपी है यहाँ पे। अब मैं कोशिश करूंगा कि साइड से जाता हूँ और फिर पहुंचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक दो बंदा जा चुका है। तो गाइज फाइनली अब हर्षा जाके डुबकी मारने वाली है। देखो कितनी मुश्किल से लगती है दूध सागर में आके डुबकी मारना, बहुत जरूरी है। तैरना छोड़ो, नहाना भी छोड़ो, डुबकी मार लो, बस मारो। चलो एक और सामने से, फ्रंट से मारो। तो वो दूध सागर फॉल यहाँ पे डुबकियां लग रही हैं। तू साइड से ना, साइड पत्थर के साइड चल, साइड। हाँ हाँ, कम कर, हाथ से इधर।
कोई ना कोई तो बचा ही लेगा तेरे को। सामने वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन मैंने पूरी कवर कर ली है, ये वाली लाइन भी पूरी कवर कर ली है। अब जो ये वाली लाइन बची ना आपको, ये वाली, हाँ ये एग्जैक्टली ये वाली कवर करने जा रहा हूँ मैं, और वहां से कोशिश करूंगा कि यहाँ से तैरता वहां तक पहुंच के वहां से पूरे ग्राउंड लगा के आ सकूं। आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, बोलने की तुमको। फाइनली टाइम हो गया है इस दूधसागर वाटरफॉल को छोड़ के जाने का, क्योंकि 1.5 घंटे की टाइम लिमिट मिली थी। अच्छे से एंजॉय कर लिया और वापस जाएंगे, और होटल पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, क्योंकि 70 किलोमीटर दूर होटल है। तो 4 बज गए, निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 1 किलोमीटर का शायद वापस भी है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे रास्ते में। बहुत सेट माहौल हो रहा है, सुबह आओ अर्ली आओ, आपको सारा वाटरफॉल एम्प्टी मिलेगा। लाइफ जैकेट पहन के जब मारना मेरी तरफ, फालतू काम मत करना वरना गार्ड सीटी बजाएगा। अरे मिल गए, बहुत बढ़िया। दूध सागर वाटरफॉल कवर हो चुका है, हालांकि स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी नहीं रही, बाकी एंडिंग अच्छी है। अंत भला तो सब भला। लोग अभी भी आ रहे हैं, 4 बजे तक की वो जो फॉरेस्ट वाले 4 बजे तक की एंट्री अलाउड करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं अंधेरा होने से पहले। जो बंदा 4 बजे यहाँ पे आएगा तो 5:30 बजे छोड़ देगा, मतलब उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये वाली कहानी है। चेंज करने हैं कुछ कपड़े, ये कर लिए, ये हमने कर रहे हैं, अपन तो सूख जाएंगे रास्ते में, रोज ही सूख जाते हैं। इस व्यू के लिए तो पब्लिक मरती है, ट्रेन वाले व्यू के लिए। अरे यहाँ पे बहुत पब्लिक फोटो खिंचवा रही है। अब लड़के पता नहीं कहाँ कहाँ के रास्ते नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ दूध सागर में ही आता है। दिख रही है क्या ट्रेन? ओए रुक जा, भाग कहाँ रही है? अरे कहाँ भाग रही है? अरे तू ट्रेन देखना, ट्रेन के लिए पब्लिक मरती है तू। ये भैया धोखा हो गया। अरे आ रही है। तो गाइस ये वाला व्यू सबसे सही व्यू है, यहाँ पे सही से वाटरफॉल नजर आएगा। 4-5 स्टेप में, पहला वाला स्टेप, दूसरा वाला स्टेप, तीसरा वाला स्टेप, चौथा वाला स्टेप, और ये 5वां वाला स्टेप यहाँ पे गिरता है। यहाँ पे भी 2-3 पार्ट में गिरता है। तो ये वाली कहानी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा चेन्नई एक्सप्रेस वाली ट्रेन जो आने वाली है यहाँ पे, आधे घंटे से जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही धीरे। अरे सिर्फ इंजन है यार, अरे सिर्फ इंजन है।
बेबी लो बैटरी, बेबी वीडियो नहीं बन रही मेरी यार, लो बैटरी। इंजन इंजन लेके जा रहा है। नहीं आ गई है, नहीं बन रही, नहीं बन रही मेरी वीडियो, नहीं बन रही बैटरी, बंद हो रही लगा। तो फाइनली गाइस, जो चेन्नई एक्सप्रेस वाला सीन है वो भी हमने पूरा कैप्चर कर लिया है, कैप्चर कर लिया इन द सेंस आंखों से, कैमरे से नहीं कर पाए क्योंकि कैमरे की बैटरी लो हो गई। सामने किधर की तरफ जाना है, और हमारे दो लोग आ गए हैं, हमारी वैन वाले दोनों भाई लोग आ चुके हैं, जबलपुर वाले और दो लोग कानपुर वाले लोग अभी नहीं आए, उनका वेट कर रहे हैं। 426 हमारे पीछे खड़ी है। चेन्नई एक्सप्रेस वाला सीन, जो उस ब्रिज के ऊपर से गाड़ी जाती है, ट्रेन सेम ट्रेन गई थी, ट्रेन में बहुत बड़ा बड़े दो तीन इंजन थे, ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन सेम वही वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। बहुत ज्यादा वाटरफॉल अभी मैजेस्टी नहीं है, जब रेन आती है उस टाइम पे बहुत ज्यादा एकदम जाइंट हो जाता है वो वाला नजारा, कभी और कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, अभी के लिए तो बस इतना ही। और अभी दो लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो दो लोग आएंगे हम चालू हो जाएंगे। और टाइम हो गया है अभी 4:26, अगर वो लोग जल्दी आते तो हम 5 बजे यहाँ से चले जाते और शायद 7:30 तक घर पहुंच जाते। अब बस भगवान का नाम लेके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही टफ रास्ता है, क्योंकि कोई लाइटिंग नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी होता है तो बस भगवान भरोसे है। तो आई होप भगवान बस बचा लें हमें, रास्ता अच्छा ही हो। और नहा लिए हम लोग मस्ती से, बस वेट कर रहे हैं और मजे करेंगे। तो गाइस फाइनली बैक टू होम, अभी हो रहे हैं 4:40 पे हम लोग निकल चुके हैं सागर वाटरफॉल से, और देखते हैं कब पहुंचेंगे घर का पता नहीं, रात को 8-9 बजे कब पहुंचेंगे। बाकी अभी निकले हैं और करीब करीब 45 मिनट के आसपास लगेगा जहाँ से हमने गाड़ी ली थी वहाँ पे पहुँचने में। तो सभी लोग आ चुके हैं और बैक टू होम। तो ये रास्ता है काफी उबड़ खाबड़, पीछे से जाएंगे हम। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहां से एंट्री की थी हमने, और पहुंच चुके हैं जहां पे हमने सुबह पार्क किया था, टिकट की थी और सभी से अलग होने का टाइम हो गया है। और भाई जो हमारे ड्राइवर भाई थे बहुत अच्छे थे। भाई आपका नाम क्या था? रामनाथ। तो अगर आप आ रहे हो, अगर इनकी गाड़ी में हो तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वैसे तो यहाँ पे जो ड्राइवर लोग हैं, वो जो गाड़ियाँ हैं वो शायद फॉरेस्ट वाले ही अलोकेट करते हैं, ऐसे ही है ना? तो अगर आप आ रहे हो तो मिल ले रहा है इनसे भी। चलो अब चलते हैं आगे। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमने सुबह ये स्कूटी पार्क की थी, जहां पे दूध सागर का टिकट काउंटर है वहीं पे हमने पार्क किया था। अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि 5:30 हो रहे हैं और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे के बाद जो यहां की रोड हैं वो बिल्कुल एकदम सुनसान हो जाती हैं, कुछ भी लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमको जाना अभी 70 किलोमीटर्स, और खाने का भी देखना है, तो डिसाइड कर रहे हैं कि पहले खाना खाएं या जाएं। तो हो सकता है कि हम उडीपी पे खाएं, यहीं पे आसपास कोई लोग बता रहे हैं कि यहाँ उडीपी है तो उडीपी पे खाएंगे। और जो मेरा ये गोप्रो, जहाँ पे गोप्रो लगने वाला था, SJK Mac गोप्रो, उसके साथ दिक्कत ये हुई है कि वो जो एक्शन कैम है उसका जो कार्ड है वो नो कार्ड दिखा रहा है, ये तो फुल हो गया है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो अभी मोटर व्लॉग तो नहीं हो पाएगा, नॉर्मल व्लॉग ही होगा। तो अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बनियान मेरा गीला है, ये जो नीचे वाला है ये भी गीला है, सब चीज़ गीली है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन चार्ज कर लिया है और अब निकल रहे हैं। चलो वहाँ के जस्ट पास में ODP है एक, जहाँ पे होमली फूड मिलता है, वहाँ पे हम आए हैं, वहाँ पे मील्स ही अवेलेबल है और बंद कर रहे थे, सिर्फ हमारे लिए खोला है तो मील्स खाएंगे। और अभी हमने सिर्फ एक मील्स ऑर्डर किया है, अगर हमें लगेगा कि हम एक और खा सकते हैं तो दो मील्स ऑर्डर कर देंगे।
तो बंद कर रहे थे और रात को दोबारा खोलेंगे ये। अभी 5:30 हो रहे हैं, 5:35, 5:40 हो गए हैं और तो अंधेरा ही हो जाएगा निकलते निकलते, पूरा रात अंधेरे में जाना पड़ेगा। ये कहानी बस घर जाके सो रही है। पेट्रोल मिलेगा तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरवाना है, ये खास बात है।